हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोकेन एंड वेलकम टू मोकेन ब्लॉग्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ। और ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ। और गाइस, मेरे पास आया है मेरा सिस्टर, कजन है वो, बहुत दिन के बाद मेरे पास आया है। तो आज आप सबको मैं मिलाने वाली हूँ। मिल चुका है, भाई का शादी का ब्लॉग में भी मैंने बनाया है और कभी कभी मिलता है क्योंकि अलग अलग जगह रहता है वो। आई है हमारे पास, हमारे पास मतलब अभी आया है, एक घंटा ही हुआ है। मिलाती हूँ। हेलो, मैं इनका नाम है, रियल नाम है पर पीतू बुलाते हैं हम लोग, तो मैं अभी पीतू ही बुलाऊंगी। यही पीतू। गाइस, आज मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ, मेरे बहन का हेयर दिखाने के लिए। मना कर रहा था वीडियो नहीं बनाएगा आज, क्योंकि ऐसे कुछ काम से आया है, टाइम नहीं मिलेगा, रुका के रखा है। देखिए गाइस, हेयर पीतू का, ये रियल है गाइस, ये रियल है। और इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया है, ये देखो, यूट्यूब से देख के कपड़ा से ऐसे बांध के रखा है, मैंने यूट्यूब में देखा है। तो इसीलिए अभी देखते हैं क्या होता है, इसको भी खोल के दिखाएगा इसका जैसा बनता है कि नहीं बनता है। थोड़ा रुकिए, चावल बिठा के रखा था, सीटी बज रहा है, उसको अभी बंद करके आएगा। दिन का लंच भी बना रहा है इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो गाइस, कहाँ थे हम लोग? पीतू का हेयर। पीतू थोड़ा दिखाएगा आपका हेयर को। गाइस ये देखिए, अभी हम पार्लर में है जैसा लग रहा है। ये हेयर जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल ऐसे ही है। बहन को दिखाएगा, बोले चोरो ना बोल रहा था, जबरदस्ती दिखा के। देखो अपना बाल को नहीं चाहिए बोलते हैं, हमको तो बहुत चाहिए ऐसे वाला हेयर। अभी शॉर्ट करके रखा है, शॉर्ट कट करके, लंबा होने से पीतू ये खींचने से कितना कितना तक पहुंचता है देखते हैं। ये खींचने से देखो यहाँ तक पहुंचा है, देखो छोड़ने से मालिक का साथ मजाक करेगा। इसको भी खींच के देखते हैं, खींचने से यहाँ तक होता है और छोड़ने से वापस ऐसे जाता है। तो बच्चा का जैसे खेलते रहेगा, देखो छोड़ने से ऐसे मजा करते रहेगा, दोबारा नहीं आएगा इसके लिए। गाइस अभी मेरी बारी, बहन का जैसा हेयर हुआ कि नहीं, कलर भी इसका ऐसे ही है, कलर नेचुरल है, इसने कुछ कलर भी नहीं लगाया है। और शैम्पू तो सेम, शैम्पू क्या शैम्पू लगाता है, डव शैम्पू, वो भी नॉर्मल जो आम लोग लगाता है, कंडीशनर भी सेम। तो गाइस अभी मेरा हेयर हुआ कि नहीं है पीतू का जैसा, चेक करते हैं। मैंने क्या किया है, वही तरी बताया था हमको, अन्नी ऐसे बनाओ, ये डालो, जब आपका हेयर धोने का बाद, आप जब नहाने के बाद में ये स्कार्फ ऐसे बांधने से ये जरूर होता है। एक्चुअली मैं जब डांस करती हूँ तो उसमें बेनी करके रखता है, दो बेनी करके रखता है यहाँ से, तो इसीलिए हेयर मेरा कर्ली होता है, नेचुरल कर्ली नहीं है। हेयर स्ट्रेट किया था इसलिए आधा हेयर स्ट्रेट है, आधा यहाँ से जो नया उतरा है वो स्ट्रेट नहीं है। तो पैसा भी लगता है और मेरे पास पैसे हेयर के लिए कम लग रहा है, नहीं कम ही है, बहुत कम है पैसा, इसीलिए क्योंकि वो हमारे लिए एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर होता तो ठीक है, नहीं तो तारा, ये देखो देखते हैं, सामने में घर बना रहा है और पंखा भी चल रहा है, फैन भी चल रहा है, इसीलिए साउंड भी अच्छे से नहीं आ रहा होगा। पीतू का जैसे हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो पीतू इससे भी ज्यादा जब कर्ली तभी होता है जब बेनी करके रखता है, यहाँ से ऐसे बेनी करके, एक दो ही बेनी करके रखता है, यहाँ से एक, यहाँ से एक। तो गाइज कैसा लग रही हूँ मैं, हेयर जब सूखा होगा तब नहीं होगा, थोड़ा सा गीला होगा तभी आप ऐसे कर सकता है। इसका गंदा भी हो गया, ये दाग है, गंदा नहीं है, इसको हमेशा हेयर के लिए रखती हूँ, ये प्योर कॉटन का है तो इससे मैं करती हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। कैसे हेयर कर्ली करना है
कम समय के लिए होने से भी, नेचुरल नहीं होने से भी, तो कैसे करना है वो कभी दिन दिखाऊंगी। दिखाने का नहीं, आप भी यूट्यूब में देखिए, यूट्यूब में बहुत सारा तरीका बता के रखा है, तो आप भी देख सकता है और सीख सकता है और अपने हेयर कर्ली करके डांस में, पार्टी में, कहीं भी हो जा सकता है। पीतू को मैं 2 महीने के बाद मिल रही हूँ, अभी हम दोनों गप्पे मारेंगे, पहले से दोनों बातें कर रहा है और पीतू भी बात करता है और मैं भी, दोनों सेम सेम, अभी किसका सुनते हैं, किसका बोलते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। हम दोनों का हेयर में से किसका हेयर सुंदर है वो भी आप जरूर बताना। हेयर कट भी खुद करता है, हेयर मेरा ऐसे भी बनता है। आज हेयर का ही बात ही कर रहे हैं क्योंकि मैंने हेयर को ही लेकर ब्लॉग बनाया है। पीतू एक्चुअली अपना ये कार धोने के लिए आया है, गाड़ी धुलाने के लिए आया है, कार वॉश मेरा घर का सामने में है इसीलिए आया है, और आकांक्षा और उसका जीजा जी और हमको मिलने के लिए आया था। तो जीजा जी तो नहीं है, आकांक्षा भी स्कूल चला गया है, दोनों नहीं है, नहीं है। नन्ना तोसी का जैसे ही नहीं है, तो अभी वो चली जाएगी, काम है ईटानगर में इसको, और गाड़ी भी वॉश होने के बाद कॉल करेगा बोला है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, बहन का साथ में मेरा ये पीतू का और कर्ली हेयर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।